पूर्व मंत्री हिमराज सिंह जदयू में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने हिमराज सिंह का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी पार्टी का आकार और संगठन और मजबूत होगा। हमारी पार्टी का संगठन और धारदार और मजबूत होगा और खासकर जो सीमांचल इलाका है, जो पूर्णिया प्रमंडल है, वह क्षेत्र हमारा काफी जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो न्याय के साथ विकास धारा को मजबूत करने में, उनके हाथों को मजबूत करने में यह अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं इस दौरान पत्रकारों द्वारा नीट से जुड़े सवाल पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि नीट के मामले में जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसके बारे में कुछ बोलेंगे। वहीं आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर संजय झा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना जरूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है अभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। लेकिन नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। रिजर्वेशन का मामला हाईकोर्ट में आया है अभी और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गन्ना हो और गन्ना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है वो सारी बात को लेकर के जो किया। और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर। साथ ही तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर चुटकी ली और कहा कि उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है। जांच तो चल रही है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है? जांच चल रही है, सब हो जाने दीजिए। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू जांच कर रही है। अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन किसके पर्सनल स्टाफ का नाम सामने आया सबको पता है। जब जब इस तरह की घटना होती है एक ही परिवार का नाम सामने आता है। लैंड फॉर जॉब उन्हीं मामलों में एक है। उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। चुनौती दे रहे हैं ना सर कि अगर तो होगा ही, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन ये ना, सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे, तो सारी बात तो आ गई। सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई टैग का बात आता है? इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो डिपार्टमेंट ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, जो कि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय। वहीं राजद के समीक्षा बैठक पर संजय झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर जो आंकड़े आए हैं उसे साफ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिलेगी। एनडीए को 2010 के परिणाम से भी बेहतर परिणाम आएगा। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।